तू न देखावे कोई। हे राजन, संसार में अमर तत्व की प्राप्ति तो हो जही, लेकिन ब्राह्मण बस में करेल पड़ी। प्रतिदिन लाखों ब्राह्मण के परिवार निमंत्रण दे के भोजन परोसने लगी। भोजन से ब्राह्मण तोला आशीर्वाद प्रदान करी। राजन, संसार बस में हो जी, लेकिन ब्राह्मण नहीं हो। ये मोर बात न मान। राजा ब्राह्मण के चरणों समय भैया कपटीला संत जान कर चरण पकड़े हैं, लेकिन वो संत कपटी के थे महाराज, लेकिन मैं हाँ वो भोजन के स्वारदार बना, भोजन ल मैं बनावा। अब परसवे ताए महाराज, तो जतका भी वो भोजन ल खाही वो सब तो बस में हो जाए महाराज।
तय जरूर करके काम करबे तो संसार में अजय अमर हो जबे, तोला कोई जीत नहीं सका है। लेकिन बात ये है कि मैं आज तक कोई गांव नहीं गया हूं, जब ले मोर जन्म होए महाराज ये भेष में तो नहीं जा सका। काबर के तो जो स्वारदार है, भोजन बनाने वाला है, बोला मैं माया से यहां ला दू और ओकर भेष बना के मोला जाए पड़ी। लगातार एक साल लेता है ब्राह्मण वाला भोजन करवावे पूरा परिवार सहित, राजा तय अजय अमर हो जाबे। कपटी की चाल कपटी सही रखेगा। आज राजा समझ नहीं पावा थे भैया, वो समय साधु के बात में आ गए। राजा बोलते महाराज अपन दास जान के तय मोर रसोईया बन के मोर गांव में चलबे महाराज। साधु बोलते हे राजन सो जा, अब रात बहुत ज्यादा हो गए, तय सो जा तहां तोला सोते सार तोर देश में पहुंचा दू हम। ऐसे उस समय राजा कहीजगा, राजा सो गए भैया नींद पड़ी चोकर, तो हम माया के दानों जे बरहा बने से बोला बुला ली और रातों रात राजा लोकर देश में पहुंचा दी। एक कपटी मुनि जौन रही से ओकर रसोईयारी से राजा के वो रसोईया ला के पर्वत में बंद कर दी और स्वयं अपन रसोईया बन के राजा के भवन में चल दीजगा। ऐसे भोलेनाथ पार्वती मैया ले कथा सुनावा थे गा, पार्वती मैया कथा सुना थे। लखन सिया राम चंद्र की जय।